अब बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद से। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। देखिए, अभी विधानसभा भंग करने की बात चल रही थी, अभी सिफारिश की बात की जा रही थी और अब इस्तीफे पर सहयोगियों की राय भी ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या ये मान लिया जाए कि पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं यहाँ पर उद्धव ठाकरे सरकार ने, इस्तीफे की बात आ रही है? बिल्कुल, देखिए संजय राउत का जो हालिया ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा भंग करने की ओर तस्वीर जो बढ़ रही है वो साफ दिखाती है कि अब अगर विधानसभा भंग होगी तो उसके बाद उद्धव ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री भी नहीं रह जाएंगे। और ये बात जरूर है कि उद्धव ठाकरे जो है अपने सहयोगी यानी कि NCP और कांग्रेस के साथ जो है वो एक सहमति बनाएंगे और बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो जानकारी आ रही, क्योंकि कैबिनेट की बैठक होगी और उस कैबिनेट की बैठक में NCP और कांग्रेस दोनों ही कोटे के जो है वो मंत्री मौजूद होंगे, तो ऐसे में वो ये बात वहां पर रखी जाएगी, तो वो एक सामान्य आपसी चर्चा के बाद ही रखी जाएगी कि हमें विधानसभा भंग करने की ओर बढ़ना है। तो फिलहाल ये तस्वीर लगभग क्लियर होती नजर आ रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब किस दिशा में जा रही है और सत्ता परिवर्तन का एक वक्त जो है फिलहाल नजर आ रहा है, एक दौर नजर आ रहा है। अब सब कुछ निर्भर है कि उद्धव ठाकरे 1 बजे की बैठक में ये फैसला लेते हैं या फिर उसके बाद जो है वो शाम को 5 बजे इस बात का ऐलान करते हैं। लेकिन जो हमें जानकारी मिली थी सूत्रों के मुताबिक कि 1 बजे की कैबिनेट की बैठक में ही इस बात को लेकर एक सिफारिश जो है तय हो जाएगी और वो प्रस्ताव जो है फिर विधानसभा अध्यक्ष को शायद भेजा जा सकता है। बिल्कुल, अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, इस्तीफे की बात आ रही है लेकिन उससे पहले सहयोगियों से चर्चा करेंगे, आधे से ज्यादा सहयोगी तो भाग चले हैं, दूसरी जगह पहुंच गए हैं। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात की जो अनुशंसा होती है, जो रिकमेंडेशन होता है विधानसभा भंग करने की, वो केंद्र जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें ही लिया जाता है। तो इसी लिहाज से 1 बजे की कैबिनेट महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कैबिनेट बुलाया गया है जहां पर नंबर्स के गेम में पूरी तरह से पिछड़ चुकी है महा विकास अघाड़ी और ऐसे में बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शंस बचे नहीं है। और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि जब वो जो अनुशंसा करेंगे राज्यपाल के पास कि ये विधानसभा को भंग किया जाए उससे पहले वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि नंबर्स के गेम में पूरी तरह पिछड़ने के बाद जो जानकारी आ रही है कि अब इस्तीफा देने की बात आ रही है। अब यह हालांकि ये तय करना है कि क्या 1 बजे की बैठक के बाद वो जाएंगे बात करेंगे राज्यपाल से या फिर विधायकों की बैठक के बाद करें, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि वहां पर जो है वो उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है, अब सरकार बचने की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में ऑप्शन क्या क्या हो सकता है उस पर चर्चा होगी कैबिनेट की बैठक में अपने, क्योंकि कई मंत्री जो शिवसेना कोटे के थे वो एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस, NCP और शिवसेना के जो मंत्री है उनके साथ बैठकर कैबिनेट की बैठक में यही चर्चा होगी कि ऐसी परिस्थिति में जब संख्या बल उनके साथ नहीं है तब आगे क्या करना चाहिए। तो उसमें एक ऑप्शन ये बात बताई जा रही है जो सूत्रों के हवाले से कि अनुशंसा किया जा सकता है कि जो माहौल है और उसका एक तरह से इंडिकेशन जो है वो संजय राउत ने अपने ट्वीट में कर दिया है कि जो महाराष्ट्र की जो मौजूदा परिस्थिति है वो विधानसभा भंग की तरफ जा रही है और ये इंडिकेशन काफी है कि वहां पर सरकार जो है वो गिरने वाली है, वो हो सकता है। चलिए एक और बड़ी खबर बता दे। शुभ संकेत देश के लिए नहीं है, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उसमें कामयाब हो रहे हैं, पर हिंदुत्व के नाम पे जैसे हम बात कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं RSS वाले, उसी प्रकार से मिस्टर जिन्ना ने बात की थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान बनेगा धर्म के नाम पर बनेगा, बन गया, फिर दो टुकड़े क्यों हो गए? धर्म के नाम तो बांग्लादेशी धर्म के नाम वही धर्म है जो पाकिस्तान में है, दो टुकड़े हो गए ना। तो ये धर्म के नाम पे आज बात करते हैं, फिर बात करेंगे दलितों की और अपर कास्ट की बात करेंगे, फिर बात करेंगे दक्षिण की और उत्तर की बात करेंगे। अभी हम यहाँ पर अशोक गहलोत को सुन रहे थे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित हमारे साथ मौजूद है और उसके साथ ही गौरव भी हमारे साथ मौजूद है। गौरव, आपसे हम बात करें लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। देखिए, बड़ी खबर आज आती रहेंगी क्योंकि माहौल पूरी तरह से आप देखेंगे कि गरमाया हुआ है। एक और बड़ी खबर बता दे, सबसे बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है। दूसरी बड़ी खबर, इस्तीफे पर गठबंधन में उद्धव की चर्चा होगी। तीसरी बड़ी खबर, आज महाराष्ट्र विधानसभा भंग हो सकती है। चौथी बड़ी खबर,
कैबिनेट बैठक में सिफारिश हो सकती है विधानसभा भंग करने की। पांचवी बड़ी खबर, दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक है लगभग 1 घंटे बाद। और उसके साथ ही छठी बड़ी खबर, संजय राउत का भी विधानसभा भंग करने का इशारा दिख रहा है। सातवीं बड़ी खबर, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बात की है, शरद पवार आउट ऑफ रीच, उनके सारी चीजें अब निकल गई। आठवीं खबर, उद्धव ठाकरे से मिलने वाले थे कमलनाथ। नवी बड़ी खबर, शरद पवार ने पूछा बागी मुंबई कैसे गए, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से और बीजेपी विधायक मुंबई पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।